हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेकिन मैं आ गया हूँ आपका दोस्त सरोज और एक न्यू ब्लॉग पे। तो आज का जो सफ़र है वो ओमकारेश्वर के लिए है। तो अभी हम लोग उज्जैन से आ चुके हैं, रास्ते में रात के 4 बजे हम लोग निकले थे उज्जैन से। तो अभी ओमकारेश्वर पहुँचने के लिए मिनिमम 4 से 5 घंटा लगता है, क्योंकि रास्ता थोड़ा ख़राब है। बट किलोमीटर के हिसाब से थोड़ा कम है, लाइक 150 to 160 किलोमीटर। तो देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास, और वहाँ पे देखते हैं अगर कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे जा सकते हैं तो एक्सप्लोर करेंगे। तो ये रहा हमारा सवारी, और यहाँ से मॉर्निंग में हमारे ड्राइवर वाले भैया चाय पीने के लिए गए हैं। अभी मॉर्निंग का 6 बजने वाला है, अभी 6 बजा नहीं है, देख सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हम लोग ओमकारेश्वर टेंपल जा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप का रास्ता है, एक पुल से आप जा सकते हैं, एक नाव से जा सकते हैं। तो अभी हम लोग पुल के ऊपर जा रहे हैं। अभी सुबह के 7 बजा हुआ है, 7 बजे से पहले हम लोग पहुँच गए थे, तो अराउंड 7:30 है अभी। अब टेम्पल के पीछे देख सकते हैं एक शंकराचार्य का नया मूर्ति बना है, जो कि बहुत ही हाइटेड है, वो अभी का स्पेशल अट्रैक्शन है। और लेकिन रास्ता वहाँ पे खुला नहीं है, तो इसलिए इस टाइम पे हम लोग ऑलमोस्ट नहीं जा सकते। जय महाकाल दोस्तों, अभी हम लोग हैं ओमकारेश्वर टेंपल के पास। ये देख सकते हैं डैम। दोस्तों अभी ओमकारेश्वर टेंपल जाने के लिए ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है, देख सकते हैं कितना बढ़िया ब्रिज है। दोस्तों ये मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये है टेंपल जो कि ओमकारेश्वर टेंपल है। यहाँ पे आप नाव से भी आ सकते हो अगर चाहते हो, लेकिन नाव 8 बजे के बाद खुलता है, तो हम लोग जल्दी थोड़ा पहुँच गए थे तो नाव से नहीं आए। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर मंदिर के अंदर। ये देख सकते हैं ओमकारेश्वर मंदिर का अंदर का नज़ारा, और ये देख सकते हैं भक्त जो बाहर निकल रहे हैं, ये दर्शन करके निकल रहे हैं। और जाने का रास्ता यहाँ से नहीं, आगे से मैं दिखाता हूँ आपको आगे। हम लोग थोड़े जल्दी आ गए थे करके पीछे वाला क्यू खुला नहीं है, और एक लंबा लाइन है। ज़्यादा भक्त अगर दर्शन के लिए आते हैं तो वो अच्छा रहता है। अभी देख सकते हैं हम लोग आगे वाले क्यू में पहुँच चुके हैं, अभी बहुत सारे भक्तजन चल रहे हैं आगे आगे, और मेरे पीछे भी बहुत सारे अभी हो गए हैं। आप लोग अगर दर्शन के लिए आ रहे हो तो सुबह का टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, 9 बजे तक आपको ज़्यादा क्राउड दिखने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आप आते हो तो थोड़ा क्राउड रहता है, लेकिन अच्छे से दर्शन हो जाता है। यहाँ पे क्यू में मैं आगे आ गया था, पापा अर्पिता मम्मी और रिचा पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ये देख सकते हैं सभी लाइन पर हैं। सामने से जो रास्ता है दूसरे दर्शन के लिए लोग खड़े हुए हैं, वो तत्काल दर्शन के लिए आए हैं। तो वहाँ पे तत्काल दर्शन के लिए आपको पेमेंट करके आना पड़ता है। हम लोग जो आए थे वो जनरल दर्शन से, वहाँ पे कुछ पेमेंट नहीं लगता। हम लोग अभी मंदिर के अंदर पहुँच चुके हैं। ये देख सकते हैं पुराने आर्किटेक्ट के डिज़ाइन के हिसाब से ये मंदिर है। यहाँ पे पूरा पत्थरों में नक्काशी किए हुए रखे हैं सब, उसके अंदर ना गर्मी है ना ठंडा है ज़्यादा, तो ऐसे पत्थर लगा हुआ है। बहुत पुराना स्ट्रक्चर है यहाँ का, अभी भी टिका हुआ है वह स्ट्रक्चर। कितना सुंदर सा हाथ से नक्काशी किए हुए हैं, और ऊपर देख सकते हैं इतना बड़े बड़े पत्थर का स्ट्रक्चर भी ऊपर टिका हुआ है, और ये पुराना ज़माने में बनाया गया है। तो अभी का आर्किटेक्ट देख सकते हैं कि कभी ना कभी टूट जाता है 50 साल या 20 साल के अंदर। ये पुराना हजारों साल से यहाँ पर ऐसे टिका हुआ है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के द्वार के सामने, और यहाँ पे सभी लाइन यहाँ पे आके जॉइंट हो जाता है, तो क्राउड बढ़ जाता है,
और धक्का मुक्की बहुत ही चलता रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी श्रद्धालु लाइन पे खड़े हैं भक्त भाव के साथ, और देख सकते हैं अंदर ऐसे चल रहे हैं लाइन बाय लाइन, धीरे धीरे सभी प्रसाद लेके भी चलते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं और दर्शन होने का समय हो चुका है। ये रहे बाबा भोलेनाथ, और यहाँ पे महिला पुलिस प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रास्ता क्लियर कर रहे हैं। फाइनली मेरा दर्शन हो चुका है, और मेरे पीछे जो आ रहे थे जैसे कि मेरी वाइफ अर्पिता और मम्मी ऋचा, तो वो पीछे आ रहे हैं। अभी हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं और ये गलियों में चल रहे हैं। देख सकते हैं सभी चीज़ें यहाँ पे आप खरीद सकते हैं पूजा वाले सामग्री। दोस्तों अभी ब्रिज के इस पार ओमकारेश्वर टेम्पल है और ब्रिज के उस पार मामलेश्वर टेम्पल है जहाँ से हम लोग पहले एंट्री किए, तो वहाँ पे अभी हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं श्रद्धालु एक एक करके आ रहे हैं और खचाखच अभी भर रहा है। ये ब्यूटीफुल सीनरी देख चुके हैं यहाँ पे। ये डैम जब भी खुलता है तो पानी एकदम भर जाता है नदी में। दोस्तों अभी दर्शन करके आ चुके हैं हम लोग ओमकारेश्वर टेम्पल से, तो ये फिर से आ गए वही ब्रिज पे। तो ये बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है, यहाँ पे डैम है लेफ्ट साइड में, सुंदर सा ब्रिज के ऊपर लोग फोटो वोटो खींच रहे हैं। देख सकते हैं आगे कैमरा पकड़ के खड़े हुए हैं, पीछे भी देखता हूँ आपको दिखाता हूँ भी। ये लोग आ रहे हैं श्रद्धालु, जितने लोगों का दर्शन भी हो चुका है पीछे पीछे आ रहे हैं। तो यहाँ पे आए हो मतलब फोटोज तो बनता है मेमोरीज के साथ। अगर जाते जाते आपको भूख भी लगा है यहाँ पे देख सकते हैं, भूख मिल जाएगा आपको। और साइड में लोग देखिए प्रसाद भी लेके जा रहे हैं, यहाँ से प्रसाद मिलता है। दोस्तों यहाँ पे 9 बजे के बाद मार्केट खुल जाता है, तो आपको अगर शॉपिंग करना है तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हो। रिचा कैर कौन लग रहा है दोस्तों? वो है टेंपल, आप देख सकते हैं सामने से टेंपल। हम लोग पूरा घूम के गए थे उधर से, अभी दर्शन भी होके आ गया है। दोस्तों अभी हमारा लास्ट डेस्टिनेशन टेंपल पहुंच चुका है, ये मामलेश्वर टेंपल। आप देख सकते हैं ये बहुत ही पुराना है, ये ओंकारेश्वर टेंपल और मामलेश्वर टेंपल एक साथ ही वहां पे बिल्ड किया हुआ था। ओंकारेश्वर से उज्जैन हम लोग रिटर्न आ चुके हैं, अभी हमारा लंच का टाइमिंग देख सकते हैं इतना है लंच हमारा। दोस्तों अभी उज्जैन के रेलवे उज्जैन से हम लोग निकलने वाले हैं। अभी शाम के 5 बजने वाला है और आ चुका है रेलवे स्टेशन, क्योंकि पुणे जाना है रिटर्न। चलिए दोस्तों मेरा सफर यहाँ पे खत्म होता है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग पे। टिल देन बाय बाय, एंजॉय, कीप ट्रैवलिंग।